right now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. स्वागत है आप सभी का महेंद्राज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर. सो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन. जितने भी लोग कनेक्ट हुए हैं, एक बार फटाफट से आप लोग क्या कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए. ओके, सो एक बार देख लें कौन कौन कनेक्ट हुआ है हमारे साथ. ओके, सो वेरी गुड मॉर्निंग मनन, चंदा, स्वीट श्रद्धांजलि, सपना, सौमित्रा, एवरीवन वेरी गुड मॉर्निंग. तो जितने भी लोग कनेक्ट हुए हैं, एक बार फटाफट से आप लोग क्या कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए. ओके, मेरी आवाज क्लियर है? एक बार आप लोग मुझे बता दीजिए मेरी वॉइस क्लियरली आ रही है या नहीं. वेरी गुड मॉर्निंग अंतरिप, भानु, मौसमी, अंबिका, मनन, मेरी वॉइस क्लियर है? वॉइस मेरी क्लियर है या नहीं? ओके, ऑडिबल है, ठीक है. सो आज की क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, वीकली करंट अफेयर, है ना. जो हमारा प्रीवियस वीक का और इस वीक का पूरा रह गया था, उसको हम आज की क्लास में क्या करेंगे, कंबाइन उसको पूरा रिवाइज करेंगे. तो हमारा वीकली करंट अफेयर होगा. ओके, श्री श्रद्धांजलि, ऑल द वेरी बेस्ट. अच्छे से एग्जाम दीजिएगा. कौन सा एग्जाम है आपका, पीयू का है या पेट का है? तो जो भी आपका एग्जाम है, ऑल द वेरी बेस्ट. अच्छे से आप एग्जाम दीजिएगा, बिल्कुल भी नर्वस मत होइएगा. जिनका भी एग्जाम है, ठीक है, पेपर आपका दोनों बहुत इजी आ रहा है, ठीक. तो आराम से पेपर दीजिएगा और जो आएगा वो करिएगा, जो नहीं आएगा उसको मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग भी है आपका. और बाकी हम लोग एनालिसिस कराएंगे, रिव्यू में हमारे साथ कनेक्ट होइएगा. जिनका कल एग्जाम है वो लोग बताइए आप लोगों का एग्जाम कैसा हुआ, पेट का एग्जाम कैसा हुआ, पीओ का एग्जाम कैसा हुआ. अच्छा, पेट में तो करंट अफेयर के जो क्वेश्चन आए थे मोस्टली हम लोगों ने क्लास में किया हुआ था ना, करंट अफेयर तो मुझे काफी इजी लगा. चलिए आप लोग बताइए आप लोगों का पेपर कैसा हुआ. तब तक स्टार्ट करते हैं और बात कर लेते हैं अपकमिंग ऑनलाइन बैचेस की. अगर हम अक्टूबर मंथ के अपकमिंग ऑनलाइन बैचेस की बात करें, तो 19 अक्टूबर को हमारी बैच स्टार्ट हो रही है. बैंक और एसएससी दोनों के लिए होगा, बाइलिंगुअल में होगा, दैट मीन्स हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में ये अवेलेबल होंगी. इसके अलावा बैंक की एक और बैच स्टार्ट होगी जो बंगाली और इंग्लिश लैंग्वेज में होगी. एंड नेक्स्ट जो लास्ट बैच है अक्टूबर मंथ की, ये स्टार्ट होगी 26 अक्टूबर को. बैंक और एसएससी बोथ होगा और बाइलिंगुअल में होगा, ठीक है. कैसे इनरोल करवा सकते हैं, आप इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, दैट इज www.mahendraj.org. आप इस टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अदरवाइज जो भी आपका नियर बाई ब्रांच है आप वहां पर विजिट कर सकते हैं, ठीक है. तो जिनको भी इनरोल करवाना है फटाफट से आप इनरोल करवा लीजिए. डेट, बैच, टाइम सब कुछ आपके सामने है, ठीक है. तो फटाफट से आपको क्या करना है, इनरोल करवा लेना है. ओके, वेरी गुड मॉर्निंग अर्पिता, वेरी गुड मॉर्निंग मनन. आई हैव क्लियर्ड एसएससी एमटीएस 2020. ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशन मनन, वेरी वेल डन. ऐसे ही आप तरक्की करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, और भी आगे बढ़िए अभी आप, ठीक है. सो कॉन्ग्रेचुलेशन, 30 में 21 सही हुए हैं, वेरी वेल डन अनुज. ओके, चलिए सो स्टार्ट करते हैं हमारे मॉर्निंग थॉट ऑफ द डे से, ठीक है, कि हमारा आज का मॉर्निंग थॉट ऑफ द डे क्या है. तो आज का हमारा जो मॉर्निंग थॉट ऑफ द डे है वो है, जहां तक दिखाई दे वहां तक जाने की कोशिश जरूर करें, और जब आप वहां पहुंचोगे तो आप इससे भी आगे देख पाओगे. इसका मतलब समझ में आया? मतलब ये हुआ कि हमारी लाइफ में कभी कभी ना ऐसे मोमेंट्स आते हैं कि जब हमें लगता है कि चारों तरफ से अंधेरा है, हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, आगे बढ़ने का कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा है, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं और अब हम कुछ नहीं कर सकते. तो उस टाइम पर आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि आपको चलते रहना है ना, आपको रुकना नहीं है. अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो एक चीज याद रखिएगा, आपको चलते रहना है, रुकना है ही नहीं है. आपके डिक्शनरी में स्टॉप वर्ड होना ही नहीं चाहिए, ठीक. आप चलते रहिए, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना, पहले आप वहां तक जाइए जहां तक आपको समझ में आ रहा है. जब आप आगे जाएंगे तो उसके आगे का रास्ता आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, आपका खुद दिमाग काम करेगा या कोई आके आपको गाइड कर देगा. कैसे भी आपको आगे का रास्ता जरूर मिल जाएगा, मतलब जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको रास्ता मिलता जाएगा. आप लोगों ने इसको अपने रियल लाइफ में एक्सपीरियंस भी किया होगा प्रैक्टिकली, ठंड में, है ना, विंटर सीजन में जब फॉग होता है, कोहरा होता है, तो कभी कभी इतना कोहरा होता है ना कि हम लोगों को रास्ता नहीं दिखाई देता, हमको लगता है हम घर से बाहर निकल ही नहीं पाएंगे. बट फिर भी जिनको डेली अप डाउन करना है, कहीं ना कहीं जाना है, ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, कहीं भी जाना है, वो निकलते हैं उस ठंड में भी, उस कोहरे में भी बाहर निकलते हैं.
थोड़ी दूर जान आपको रास्ता नहीं दिख रहा होता है, बट फिर भी आप जाते हो, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं ना, आगे का रास्ता आपको क्लियरली दिखाई देता है, फिर आप आगे बढ़ते जाते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। तो ये जो है ना कहीं एक तरीके से हमें ये सिखाता है कि आपको रुकना नहीं है, आप आगे चलते बढ़ जाइए, आगे का रास्ता आपको खुद ही मिल जाएगा, है ना। तो बस कोशिश करते रहिए, आप परिश्रम करते रहिए, खुद पर आत्मविश्वास बना के रखिए, आपका जो ये सेल्फ मोटिवेशन है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ये जरूर होना चाहिए, तो आप डेफिनेटली अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। ओके चलिए, सो ये आपका क्या है आज का मॉर्निंग थॉट ऑफ द डे, ये बहुत ही पॉजिटिव सा थॉट है, तो इस पॉजिटिव थॉट के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा आज का डे। चैंपियन, आप सबको पता है संडे को आप सभी लोग चैंपियन होते हैं, क्योंकि संडे को किसी को टेंशन नहीं दे सकते ना कि आप विनर हो आप नहीं हो, क्योंकि आप मुझसे बहुत से लोग लड़ाई करने लगते हैं कि मैम मैंने भी कमेंट किया था मेरा नाम नहीं आया, तो आज कौन है, आज आप सभी लोग विनर हो और हमारे चैंपियन हो, सो ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। अब हम आते हैं हमारे आज के रिवीजन सेशन पर, पूरा लास्ट 2 वीक का जो हम लोगों का रिमेनिंग था उसको हम लोग रिवाइज करेंगे। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर्स बताइएगा, ठीक है, सारे क्वेश्चन हमने पढ़े हुए हैं। ओके चलिए, सो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन ज्योतिरादित्य सिंधिया हैज बीन इनॉग्रेटेड द फोर्थ हेली इंडिया समिट 2022 इन विच सिटी। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चौथे हेली इंडिया समिट 2022 का उद्घाटन किस शहर में किया है, श्रीनगर, लखनऊ, गुरुग्राम, नागपुर, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अच्छा 12th में किया था, अभी नहीं मिलता आपको फॉग, आपके घर के पास अब कोहरा नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो गया है, सुबह उठ के देखिए 4-5 बजे हल्का हल्का सा दिखता है फॉग। ओके तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है श्रीनगर, वेरी वेल डन एवरीवन, मोस्टली सब लोग इसका करेक्ट आंसर बता रहे हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन हैज लॉन्च इट्स ग्रास रूट फुटबॉल डेवलपमेंट स्कीम। निम्नलिखित में से किस राज्य में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने अपनी जमीनी फुटबॉल विकास योजना को शुरू किया है, फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या होगा, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, आंध्र प्रदेश, क्या होगा आंसर, और आप लोग सेशन को थोड़ा शेयर भी करते रहिए, जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, आंध्र प्रदेश, वेरी वेल डन, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। अभी किसी ने रिसेंटली फुटबॉल फॉर ऑल इनिशिएटिव को लॉन्च किया है, कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है फुटबॉल फॉर ऑल, उनका भी यही मेन एम है, ग्रास रूट फुटबॉल डेवलपमेंट, फुटबॉल फॉर ऑल कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है, जल्दी बताइए। फुटबॉल फॉर ऑल किसने लॉन्च किया है, कौन से स्टेट में, ओडिशा, वेरी वेल डन, ओडिशा ने लॉन्च किया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट टूरिज्म बोर्ड हैज साइंड एन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन टू प्रमोट टूरिस्ट प्लेसेस इन द स्टेट। निम्नलिखित में से किस राज्य पर्यटन बोर्ड ने राज्य में पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम, जिसको हम लोग IRCTC बोलते हैं, उसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, वेस्ट बंगाल, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, बताइए इसका आंसर क्या होगा, कौन से स्टेट के टूरिज्म बोर्ड ने IRCTC के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है जिससे जो टूरिस्ट प्लेस है उस स्टेट का उसको प्रमोट किया जा सके, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ इज द करेक्ट आंसर, वेरी वेल डन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर हैज इनॉग्रेटेड अ वाटर स्पोर्ट्स सेंटर इन विच स्टेट। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किस राज्य में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया है, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर हैज इनॉग्रेटेड अ वाटर स्पोर्ट्स सेंटर इन विच स्टेट, वेरी वेल डन, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज, हु इज ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड लता सुरगाथा, लता सुरगाथा नामक पुस्तक के लेखक लेखक कौन है, पवन सिलाल, पुलापरे बालकृष्णन, फैजल फारूकी, इरा पांडे, क्या होगा आंसर, लता सुरगाथा इस बुक का ऑथर कौन है, क्वेश्चन नंबर 5, वेरी गुड, इरा पांडे इज द करेक्ट आंसर, सो लता सुरगाथा इस बुक के ऑथर कौन है, इरा पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
हैज वन द आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर सितंबर 2022? सितंबर 2022 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता है? विराट कोहली, बाबर आजम, जो रूट, मोहम्मद रिजवान। क्या होगा करेक्ट आंसर? हाँ जी, ईरा पांडे होगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा? आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर सितंबर कौन बना है? वेरी गुड, मोहम्मद रिजवान। आप लोगों के आंसर बड़ी जल्दी जल्दी आ रहे हैं, सारे आंसर रटे हुए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मोहम्मद रिजवान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बिकम द फर्स्ट यूरोपियन वीमेन टू कमांड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला कौन बनी है? वेलेंटिना तेरेशकोवा, नाइडिया कॉमिंसी, तामरा प्रेस्ट या फिर समंथा क्रिस्टोफोरेटी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हाँ जी, वीमेन्स कैटेगरी में हरमनप्रीत कौर है। इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट यूरोपियन वीमेन टू कमांड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। वेरी वेल डन, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है समंथा क्रिस्टोफोरेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द 81st एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन रोड कांग्रेस हैज बीन हेल्ड इन विच सिटी आफ्टर 11 ईयर? कौन से राज्य में, कौन से शहर में भारतीय सड़क कांग्रेस का 81st वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया है? बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? 11 ईयर के बाद कौन से शहर में 81st एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन रोड कांग्रेस को आयोजित किया गया? वेरी गुड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लखनऊ। लखनऊ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू अ सर्वे, एक सर्वे के अकॉर्डिंगली, इन झारखंड द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स गेटिंग मैरिड बिफोर टर्निंग 18 इज एज हाई एज 5.8%। दिस सर्वे वॉज कंडक्टेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री? एक सर्वे के मुताबिक झारखंड में 18 साल की उम्र से पहले लड़कियों की शादी का प्रतिशत 5.8% है। यह सर्वेक्षण निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा किया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, होम मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर या फिर वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? वेरी गुड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है होम मिनिस्ट्री। होम मिनिस्ट्री इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बिकम द फर्स्ट एथलीट टू विन गोल्ड इन योगासन एट द 36th नेशनल गेम? 36th नेशनल गेम में योगासन में पहली मेडल जिन्होंने जीता था, पहला गोल्ड मेडल, उनका नाम क्या है? वैभव श्रीरामी, रुक्मिणी विजय कुमार, पूजा पटेल या फिर शुभम कुमार। क्या होगा आंसर? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 36th नेशनल गेम जो आपका भी गुजरात में आयोजित किया गया था, इसमें योगासन में गोल्ड मेडल किसने जीता? वेरी गुड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पूजा पटेल। पूजा पटेल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अलेक्जेंडर वैंडर बेलिन हैज री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? अलेक्जेंडर वैंडर बेलिन को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से सिलेक्ट किया गया है? इथियोपिया, बेलारूस, नामीबिया, ऑस्ट्रिया। इसका आंसर क्या होगा? हाँ जी, 37 गोवा में होगा, और इसके पहले कहाँ हुआ था? 35th, हाँ, मैस्कट सवज। वेरी गुड, ओके, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है। अलेक्जेंडर वैंडर बेलिन को ऑस्ट्रिया का प्रेसिडेंटली इलेक्ट किया गया है, मतलब पहले भी यही थे और फिर से इन्हीं को अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू बाय पिनाका रॉकेट सिस्टम फ्रॉम इंडिया? भारत से पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? रशिया, आर्मेनिया, फिलीपींस, इजराइल। What will be the correct answer of this question? Is it option number 1, 2, 3 or 4? क्या होगा आंसर? हाँ जी, गुजरात में हुआ था 36। मैंने पूछा 35th कहाँ पर हुआ था, 36 आपको पता है, 37th भी पता है, गोवा में होगा, 35th कहाँ पर हुआ था? ओके, ठीक है हरी, आपका एग्जाम हो गया। वेरी वेल डन, ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आर्मेनिया। आर्मेनिया इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय अ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, विच स्टेट हैड द हाईएस्ट नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट इन 2021? केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में किस राज्य में विदेशी पर्यटकों की, मतलब जो फॉरेन टूरिस्ट होते हैं, उनकी संख्या सबसे अधिक रही है, मतलब सबसे ज्यादा
जो टूरिस्ट आए हैं लास्ट ईयर 2021 में, वो इन्हीं दो स्टेट में आए हैं, और वो दो स्टेट कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, या फिर गुजरात एंड कर्नाटका? हाँ जी, 35th एडिशन केरला में हुआ था। वेरी वेल डन। इसका आंसर क्या होगा? वेरी गुड, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको हम ASI बोलते हैं, इट हैज रिसेंटली फाउंड द रिमेन्स ऑफ बुद्धिस्ट केव्स टेम्पल्स इन विच स्टेट? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, दैट इज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ने हाल ही में किस राज्य में बौद्ध गुफाओं मंदिर के अवशेष मिले हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जो बुद्धिस्ट केव्स है ना, जो टेम्पल, किस टेम्पल में, कौन से राज्य के टेम्पल में बुद्धिस्ट केव्स को फाइंड आउट किया गया है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा? इसका आंसर क्या होगा? एमपी। वेरी वेल डन, मध्य प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग सिटी इज द होस्ट ऑफ द खादी फेस्ट 2022 एग्जीबिशन? निम्नलिखित में से कौन सा शहर खादी उत्सव 2022 प्रदर्शनी का मेजबान है? किसने इसको होस्ट किया? बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद? इसका आंसर क्या होगा? खादी फेस्ट 2022 एग्जीबिशन होस्ट सिटी कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 15। ओके श्रद्धांजलि, ऑल द वेरी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम देके आइएगा, ठीक है? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मुंबई। खादी फेस्ट 2022 एग्जीबिशन के इसका होस्ट सिटी कौन है? मुंबई है। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज द होस्ट ऑफ इंडियन मोबाइल कांग्रेस इन 2022? निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2022 में इंडियन मोबाइल कांग्रेस का मेजबान है, मतलब होस्ट सिटी है? चेन्नई, मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु? क्या होगा आंसर? इज इट चेन्नई, इज इट मुंबई, इज इट न्यू दिल्ली और इज इट बेंगलुरु? क्वेश्चन नंबर 16। वेरी गुड, न्यू दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। सो इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2022 होस्ट सिटी कौन है? न्यू दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द थर्ड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन विच वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड रन बिटवीन विच सिटीज? तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया था, ये किन शहरों के बीच में चलती है? ये कल आपका पेट एग्जाम में आया भी था। न्यू दिल्ली एंड गुरुग्राम, मुंबई एंड अहमदाबाद, बेंगलुरु एंड मैसूरू, मुंबई एंड इंदौर? इसका आंसर क्या होगा? जो तीसरी वंदे भारत ट्रेन है ये कौन से दो शहरों के बीच में इनॉग्रेट की गई है? न्यू दिल्ली गुरुग्राम, मुंबई अहमदाबाद, बेंगलुरु मैसूरू, मुंबई इंदौर? वेरी वेल डन, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मुंबई एंड अहमदाबाद। ओके, सो जिनका जिनका एग्जाम है ऑल द वेरी बेस्ट, आप लोग जाइए एग्जाम देकर आइएगा, इसको बाद में पढ़ लीजिएगा, ठीक है? फिलहाल आप लोग एग्जाम देने जाइए, क्योंकि एग्जाम सेंटर पर आप लोगों को लेट नहीं होना है। सारी चीजें ले लीजिएगा, एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ, उसकी फोटो कॉपी, दो एक्स्ट्रा फोटो, पेन वगैरह सब कुछ लेकर जाइएगा। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, अच्छे से जाइएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया हैज साइंड अ डील विद विच कंट्री टू एक्सपोर्ट पिनाका मिसाइल सिस्टम टू विच कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम? भारत ने पहली बार किस देश को पिनाका मिसाइल प्रणाली निर्यात करने के लिए देश के साथ एक उस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? आर्मेनिया, फिलीपींस, बांग्लादेश, अफगानिस्तान? क्या होगा आंसर? हाँ जी, 400 वंदे भारत ट्रेन बनाए जाएंगे और ये इस साल के बजट में अनाउंस किया गया था। उसके पहले वाला जो क्वेश्चन हमने पूछा था ना, उसका आंसर क्या था आपका? आर्मेनिया। ओके, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आर्मेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग हैज वन द सिंगापुर फार्मूला वन ग्रैंड प्रिक्स 2022? निम्नलिखित में से किसने सिंगापुर फार्मूला वन ग्रैंड प्रिक्स 2022 को जीता है? चार्ल्स लेक्लेर, सर्जियो पेरेज, लुइस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टैपेन? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वन द सिंगापुर फार्मूला वन ग्रैंड प्रिक्स 2022? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सर्जियो पेरेज, है ना? क्या है करेक्ट आंसर? सर्जियो पेरेज। सो सिंगापुर फार्मूला वन ग्रैंड प्रिक्स आप लोगों को मैंने याद भी कराया था, एस फॉर सिंगापुर, एस फॉर सर्जियो पेरेज, है ना? तो सिंगापुर फार्मूला वन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? सर्जियो पेरेज ने जीते हैं। ओके, वेरी वेल डन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ वेलफेयर स्कीम नेम्ड आसरा पेंशन? किस राज्य सरकार ने आसरा पेंशन नामक एक कल्याणकारी योजना को शुरू किया है
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, इसमें जो ओल्ड एज पर्सन हैं, जो भी विडोज हैं, जो बीडी वर्कर्स हैं, मतलब जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं, है ना, जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं, इन सबको यहाँ पर एक तरीके से पेंशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो आसरा पेंशन कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? वेरी वेल जन, तेलंगाना इज द करेक्ट आंसर। सो आसरा पेंशन इज इक्वल टू तेलंगाना। नेक्स्ट वन इज इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट फेल टू व्हाट परसेंटेज इन सितंबर 2022। सितंबर 2022 में भारत की बेरोजगारी दर कितने परसेंट तक गिर गई है? 5.68%, 6.12%, 6.43% या फिर 6.81%? क्या होगा करेक्ट आंसर? इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट फेल टू व्हाट परसेंटेज इन सितंबर 2022। वेरी वेल जन, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 6.43%। सो मौसमी ने करेक्ट आंसर बताया है, दैट इज 6.43%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भारत के चुनाव आयोग के उप चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजीव दीक्षित, अजय भाजू, उमेश शर्मा, आलोक सिंह। इसका आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। वेरी वेल डन, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अजय भाजू। अजय भाजू इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू फीचर इन 400 T20 मैचेस। 400 T20 मैचों में खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव या फिर शिखर धवन। क्या होगा आंसर? हाँ जी, अजय भाडू इसी करेक्ट आंसर। वेरी वेल जन एवरीवन, अब इसका आंसर बताइए। फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू फीचर इन 400 T20 मैचेस। वेरी गुड, रोहित शर्मा इसी करेक्ट आंसर। आप लोगों को सारे आंसर रटे हुए एक दो क्वेश्चन छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन के आंसर आप लोगों ने सही बताए। आप लोग फिलीपींस और आर्मेनिया में कंफ्यूज हो रहे हैं, बाकी सारे क्वेश्चन आप लोगों ने सही बताए। वेरी वेल जन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिटी हैज बीन नेम्ड द फर्स्ट इन द स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2022। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में किस शहर को पहला नाम दिया गया है? नवी मुंबई, सूरत, इंदौर, गांधीनगर। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2022 में फर्स्ट पर कौन है? अच्छा, रटे हुए नहीं है, रटना पड़ा है, तो मतलब तो वही हुआ ना, रटा है आपने तभी तो रटा हुआ है। अजीब वाले, ओके। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंदौर, है ना, इंदौर ही हमेशा टॉप पर रहता है। सो इंदौर इज द करेक्ट आंसर। एग्जैक्टली, इंदौर, सूरत, नवी मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द वंदे मातरम इनिशिएटिव इन द स्टेट। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अपने राज्य में वंदे मातरम पहल को शुरू किया है? मतलब जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं वो अगर फोन करेंगे, वो कॉल करेंगे तो हेलो नहीं बोल सकते, वो क्या बोलेंगे? वंदे मातरम बोलेंगे, है ना। उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। क्या होगा आंसर? उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। जल्दी बताइए। वेरी वेल जन, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इलेक्शन कमीशन हैज लॉन्च्ड अ ईयर लॉन्ग वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन ऑल इंडिया रेडियो। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रोग्राम? चुनाव आयोग ने ऑल इंडिया रेडियो पर एक साल तक चलने वाला मतदाता जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है, इस कार्यक्रम का नाम क्या है? वोटर जंक्शन, मतदाता जंक्शन, रेडियो जंक्शन या फिर इलेक्शन जंक्शन। क्या होगा करेक्ट आंसर? वंदे मातरम। रश्मि बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम लॉन्च किया गया है इसका नाम क्या है? इसका नाम है मतदाता जंक्शन। वेरी वेल जन, मतदाता जंक्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। गेल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? राजेश वर्मा, विजय जासूजा, संदीप कुमार गुप्ता या फिर एनएस राजन। क्या होगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 27, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द गेल। वेरी वेल जन, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है संदीप कुमार गुप्ता।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद विच कंट्री इंडिया हैज साइंड द फर्स्ट एग्रीमेंट टू सेल ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, एंड आई थिंक अब आप लोगों का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। भारत ने किस देश के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बेचने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? फिलीपींस, आर्मेनिया, फ्रांस, रशिया। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फिलीपींस। जहां पर ब्रह्मोस नाम आएगा वहां पर आंसर आपका फिलीपींस होगा, अगर ब्रह्मोस नहीं है तो आपका आंसर आर्मेनिया होगा। अब कंफ्यूज मत होइएगा, फिलीपींस का आंसर तभी आएगा जब वहां पर ब्रह्मोस मेंशन होगा। क्लियर हुआ? हाँ, बार बार दो बार आर्मेनिया आ गया तो तीसरी बार तो फिलीपींस आएगा ही ना, ये भी एक तुक्का लगा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली हु हैज बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ SSB। हाल ही में किसे SSB के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? इसी में कंफ्यूजन था, मुझे पता था, मैं इसलिए इतनी देर से शांत थी कि जब ये वाला आंसर आएगा ना तब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कंफ्यूजन दूर कैसे करना है। ब्रह्मोस लिखा होगा तब आंसर आपका फिलीपींस होगा। चलिए, इसका आंसर क्या होगा? पंकज कुमार, मनोज पांडे, अनीश दयाल सिंह या फिर अफजल हुसैन। वेरी वेल डन। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अनीश दयाल सिंह। अनीश दयाल है अश्विन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च अ पोर्टल फॉर मैरिज स्कीम। किस राज्य सरकार ने विवाह योजनाओं के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मैरिज स्कीम के लिए कौन से गवर्नमेंट ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जहां पर फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा न्यूली मैरिड कपल को जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आंध्र प्रदेश। क्या है करेक्ट आंसर? आंध्र प्रदेश। कल्याण वस्तु एंड तोहफा स्कीम उसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द सत्य निष्ठा ऐप दैट विल हेल्प स्टेट पुलिस टू इन्वेस्टिगेट एंड कंट्रोल क्रिमिनल एक्टिविटीज। किस राज्य सरकार ने सत्य निष्ठा ऐप लॉन्च किया है जो राज्य पुलिस को आपराधिक गतिविधियों की जांच और नियंत्रण में मदद करेगा? हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, असम, बिहार। क्या होगा आंसर? सत्य निष्ठा ऐप कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है जो पुलिस को हेल्प करेगी जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज होती है उसको इन्वेस्टिगेट करने में और कंट्रोल करने में? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हिमाचल प्रदेश। क्या है करेक्ट आंसर? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज अनाउंस्ड दैट इट विल अडॉप्ट 30 रिमोट विलेजेस अक्रॉस इंडिया अंडर द फोर्थ फेज ऑफ द ग्राम सेवा प्रोग्राम। निम्नलिखित में से किस बैंक ने ये अनाउंस किया है कि वो अपनी ग्राम सेवा प्रोग्राम के फोर्थ फेज के अंडर 30 रिमोट विलेजेस को क्या करेंगे? अडॉप्ट करेंगे। SBI, एक्सिस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और HDFC बैंक। क्या होगा आंसर? वेरी गुड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है SBI, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन 1st October 2022 PM मोदी हैज लॉन्च्ड 5G सर्विसेज इन विच सिटी। 1st October 2022 को PM मोदी जी ने किस शहर में 5G सेवाओं की शुरुआत की है? मुंबई, हैदराबाद, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु। क्या होगा आंसर? इज इट मुंबई, इज इट हैदराबाद, इज इट न्यू दिल्ली और इज इट बेंगलुरु? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है न्यू दिल्ली। वेरी वेल डन, न्यू दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज वन द गोल्ड इन द वीमेन्स 49 kg कैटेगरी एट द 36th नेशनल गेम्स इन गांधीनगर। ओके, सो गांधीनगर में 36th राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं की 49 kg कैटेगरी में किसने गोल्ड मेडल जीता है? स्वाति सिंह, संतोषी मात्रा, मीराबाई चानू, नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। सब बता देना आप लोगों को, कहाँ से लाइव हैं, कहाँ पर रहते हैं, एड्रेस क्या है, सब कुछ जानना रहता है आप लोगों को पढ़ाई के अलावा। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा वो नहीं जानना है, बाकी सारी चीजें फालतू की बकवास करनी होती है आप लोगों को। इतना कल समझाया मैंने आप लोगों को, अभी स्टार्टिंग मॉर्निंग में भी समझाया, आप लोगों को समझ में नहीं आता है पढ़ाई कितना इंपॉर्टेंट है। बेटा जॉब नहीं मिलेगी ना तो लाइफ में कुछ होने वाला नहीं है, थोड़ा फोकस कर लो, पढ़ लो, दूसरों से मतलब रखना कम कर दो, है ना। चलिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मीराबाई चानू। क्या है करेक्ट आंसर? मीराबाई चानू इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज वन द गोल्ड मेडल इन मेन्स रैपिड फायर पिस्टल इवेंट एट द 36th नेशनल गेम्स इन अहमदाबाद, गुजरात। गुजरात के अहमदाबाद में 36th राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? भावेश देखावत,
अंकुर गोयल, अनिश मानवाला, रिदम संगवान, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। हाँ जी, मीरा भाई चानू ने ही जीता था। आपने ये 36th नेशनल गेम पूरा पढ़ा नहीं क्या? खुद भी बिक जाना, अपना खेत बेच देना और खुद भी बिक जाना, ठीक है? जिंदगी तो कट ही जाएगी, जॉब करके क्या करोगे? 40 बीघा खेत आपके घर वाले बना के रखे हैं ना, इसीलिए क्या बेच देना? आपके जो पूर्वज लोग हैं ना, आपके पापा, आपके दादाजी और फिर उनके भी जो पापा और दादाजी थे, उन लोगों ने इसीलिए तो 40 बीघा खेत बना के रखा था कि कल को हमारे ये जो महाशय जी है ये आएंगे और उसको बेच देंगे, फिर आगे वाली जो जनरेशन आएगी वो मांग के खाएगी, है ना? बहुत अच्छी सोच है आपकी, बहुत आगे जाओगे आप। यही सोच बना के रखिएगा कि अपना शौक पूरा करने के लिए हमारे जो पूर्वजों की प्रॉपर्टी है उसको बेच देंगे और आगे वाली जनरेशन उनका जैसा मन करेगा अपना गुजारेंगे, है ना? कितनी बढ़िया सोच है आपकी, मेंटेन करके रखिएगा। वेरी गुड, वेरी वेल डन, बहुत आगे जाएंगे आप। चलिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अनिश भानवाला। क्या है करेक्ट आंसर? अनिश भानवाला इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज टॉप्ड द IIFL वेल्थ फोरम इंडिया 40 एंड अंडर सेल्फ मेड रिच लिस्ट 2022। IIFL वेल्थ फोरम इंडिया 40 एंड अंडर सेल्फ मेड रिच लिस्ट 2022 में किसने टॉप किया है? मनीष गोयल, श्रेया बजाज, निखिल कमत, भविष अग्रवाल, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट से बताइए। IIFL वेल्थ फोरम इंडिया 40 एंड अंडर सेल्फ मेड रिच लिस्ट 2022 किसने जीता है? ओके, वेरी वेल डन, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है भविष अग्रवाल। भविष अग्रवाल इज द करेक्ट आंसर। तो कुछ लोगों ने यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज इंडिया शेरपा एट द 3rd G20 शेरपा मीटिंग हेल्ड इन योगाकर्ता इंडोनेशिया। सो इंडोनेशिया की योग्यकर्ता में आयोजित 3rd G20 शेरपा बैठक में भारत के शेरपा कौन है? शेरपा का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव, है ना, जो रिप्रेजेंट करते हैं। राजीव कुमार, अरविंद सुब्रमण्यम, अमिताभ कांत, पीयूष गोयल, क्या होगा आंसर? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। Who was India's Sherpa at the 3rd G20 Sherpa meeting held in Yogyakarta, Indonesia? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अमिताभ कांत। क्या है करेक्ट आंसर? अमिताभ कांत इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ग्राम पंचायत ऑफ केरला हैज बिकम द फर्स्ट फुली डिजिटली लिटरेट पंचायत इन इंडिया। केरल की कौन सी ग्राम पंचायत भारत में पहली पूर्ण रूप से डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बन गई है? कुन्नाथुकल, पुल्लमपारा, कल्लार, ननौतीस, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पुल्लमपारा। पुल्लमपारा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज वन द आयुष्मान एक्सीलेंस अवार्ड 2022। किस राज्य ने आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 जीता है? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑपरेशन हैज बीन लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क। केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन गरुड़, ऑपरेशन सतर्क या फिर ऑपरेशन आर्ट, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सीबीआई ने इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क के अगेंस्ट कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 40, वेरी गुड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑपरेशन गरुड़। ऑपरेशन गरुड़ इसलिए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अभी सही है ना? जल्दी बताइए वो अभी ओके है या नहीं। ओके है ना, ठीक है, फिर इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर होगा आकाश अंबानी, है ना, आकाश अंबानी इज द करेक्ट आंसर। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विस, भारतीय आयुध निर्माणी सेवा के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजेश तलवार, आलोक चक्रवाल, रमेश कांडुला, संजीव किशोर, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ओके, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है संजीव किशोर। सो जो इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विस के जो डायरेक्टर जनरल बने हैं इनका नाम क्या है? इनका नाम संजीव किशोर। सही से चल रहा है ना, बफरिंग तो नहीं हो रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज रिसीव्ड द अमेरिकन जियो फिजिकल यूनियंस देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल 2022। अमेरिकन जियो फिजिकल यूनियन का जो देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल अवार्ड है ये किसको दिया गया है? अरुण लाल, राजीव कुमार, राज शुक्ला या फिर रॉक्सी फोर्ड, क्या होगा करेक्ट आंसर? अभी बफरिंग नहीं हो रही है ना, जल्दी बताइए। देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल 2022 किसको दिया गया है? रॉक्सी फोर्ड को दिया गया है। ठीक है, रॉक्सी फोर्ड इसकी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज डिक्लेयर्ड अ नेशनल आइकॉन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिसेंटली। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा किसको नेशनल आइकॉन डिक्लेयर किया गया है? आमिर खान, पंकज त्रिपाठी, माधुरी दीक्षित, रेखा, क्या होगा आंसर? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पंकज त्रिपाठी। सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पंकज त्रिपाठी को पंकज त्रिपाठी को क्या किया है? नेशनल आइकॉन डिक्लेयर किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री 2022 इज बीइंग शेयर्ड बाय थ्री साइंटिस्ट, कैरोलिन बर्टोजी, मार्टिन मेल्डल एंड बैरी सार्प्लिस फॉर दियर वर्क ऑन। इन्होंने किस चीज पर वर्क किया था जो इनको केमिस्ट्री के फील्ड में नोबेल प्राइज दिया गया है? ओके, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है क्लिक केमिस्ट्री। क्लिक केमिस्ट्री इसकी करेक्ट आंसर। अब बफरिंग नहीं होगी, डोंट वरी। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। विच कंट्री हैज रिसेंटली बिकेम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ सुगर इन द वर्ल्ड। कौन सा देश हाल ही में दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता बन गया है? चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, इराक। अब बफरिंग नहीं होगी, डोंट वरी। अब फटाफट से हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं, जल्दी जल्दी आप लोग आंसर बताइए, एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा। ठीक है, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंडिया। इंडिया हैज बिकम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ सुगर इन द वर्ल्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज रिसेंटली अनाउंस्ड टू बी अवार्डेड द यूएनएचसीआर नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड 2022। हाल ही में यूएनएचसीआर नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? शशि थरूर, बिल गेट्स, एंजेला मार्केल या फिर व्लादिमीर जेलेंस्की, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एंजेला मार्केल। एंजेला मार्केल इसकी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज चूजन एज द बेस्ट गोलकीपर बाय द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन रिसेंटली। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा किसको बेस्ट गोलकीपर सेलेक्ट किया गया है? पी आर श्रीजेश, सविता पूनिया, रानी रामपाल, बोथ ए एंड बी, इसका आंसर क्या होगा? फटाफट से बताइए। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। वेरी वेल डन, इसका जो कहां गया, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बोथ ए एंड बी। इसका करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया अ ह्यूमन फ्लाइंग ड्रोन हैज बीन प्रिपेयर्ड, व्हाट इज इट्स नेम। भारत में पहली बार मानव उड़ने वाले ड्रोन तैयार किया गया है, इसका नाम क्या है? वरुण, शक्ति, निंजा, भारत, क्या होगा करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वरुण। वरुण इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द वेब बेस्ड एप्लीकेशन विच हैज बीन लॉन्च्ड बाय आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास टू मेक द सुपरवाइजरी प्रोसेस मोर रोबस्ट। उस वेब आधारित एप्लीकेशन का नाम क्या है जिसे पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं को और अधिक मजबूत बनाने के लिए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा लॉन्च किया गया? दक्ष, नक्ष, अक्ष, नन ऑफ दीज, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दक्ष। क्या है करेक्ट आंसर? दक्ष इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई हैज इन्फॉर्म्ड अस देयर विल बी नो चार्ज फॉर रुपे क्रेडिट कार्ड यूज ऑन यूपीआई फॉर ट्रांजेक्शन अप टू हाउ मेनी रुपीज। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने हमें ये बताया है कि
कितने रुपए के लेन देन के लिए यूपीआई पर रुपे क्रेडिट कार्ड के उपयोग के लिए कोई भी फीस नहीं लगेगा, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 2000 रुपीज। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? 2000 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज वन नोबेल प्राइज 2022 इन लिटरेचर। लिटरेचर में नोबेल प्राइज किसने जीता है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एनी एनॉक्स। ठीक है, नोबेल प्राइज को मैंने ट्रिक के साथ आप लोगों को याद करवाया है, इसका अलग से एक सेशन कराया है, जिन लोगों ने नहीं देखा है उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बिकेम द फर्स्ट नेटिव अमेरिकन वीमेन टू ट्रेवल टू स्पेस, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली मूल अमेरिकी महिला कौन बनी है? कायला बैरॉन, एनी मैकलेन, निकोल मन या फिर क्रिस्टिना कोच। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है निकोल मन। निकोल मन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विशाल किसान सम्मेलन वर्कशॉप ऑन नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एंड सहकार भारती वॉज हेल्ड इन विच स्टेट। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा और सहकार भारती मिशन द्वारा विशाल किसान सम्मेलन कार्यशाला किस राज्य में आयोजित की गई थी? हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात। क्या होगा इसका आंसर? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हरियाणा। हरियाणा इसके करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एडिशन ऑफ फिट इंडिया फ्रीडम रन हैज बीन लॉन्च्ड बाय किरण रिजिजू एंड अनुराग सिंह ठाकुर ऑन द ओकेजन ऑफ द गांधी जयंती। गांधी जयंती के अवसर पर किरण रिजिजू और अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन का कौन सा एडिशन लॉन्च किया गया? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है थर्ड। वेरी गुड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एजुकेशन मिनिस्टर, सॉरी, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हैज इनॉग्रेटेड द कंट्रीज सेकेंड राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने निम्नलिखित में से किस शहर में देश के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन किया है? न्यू दिल्ली, गुवाहाटी, अहमदाबाद, पुरी। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पुरी। क्या है करेक्ट आंसर? पुरी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज डिफीटेड चाइना टू विन द इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन वीमेन्स बास्केटबॉल वर्ल्ड कप एट द सिडनी सुपरडोम ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में से किस देश ने सिडनी सुपरडोम ऑस्ट्रेलिया में अंतरराष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ महिला बास्केटबॉल विश्व कप जीतने के लिए चीन को हराया है? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यूएसए। क्या है करेक्ट आंसर? यूएसए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चंद्रयान टू रिसेंटली मेजर द अबेंडेंस ऑफ विच एलिमेंट ऑन द मून फॉर द फर्स्ट टाइम यूजिंग द चंद्रयान टू लार्ज एरिया स्कोप एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर ऑन द ऑर्बिटर। मून पर कौन सा सब्सटेंस आपका बहुत ज्यादा पाया गया? सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सोडियम। नेक्स्ट वन इज हु हैज वन द वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप टाइटल। विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? पंकज आडवाणी, सौरभ कोठारी, अशोक सांडिल या फिर आदित्य मेहता। इसका आंसर क्या होगा? ओके, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पंकज आडवाणी। पंकज आडवाणी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन हैज कमिटेड टू शार्पली कट कार्बन एमिशन फ्रॉम एयर ट्रेवल बाय विच ईयर। संयुक्त राष्ट्र संगठन ने किस वर्ष तक हवाई यात्रा से कार्बन उत्सर्जन में तेजी से कटौती करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है? 2030, 2040, 2045, 2050। इसका आंसर क्या होगा? वेरी वेल डन, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 2050। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री महाकालेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश। आपको बताना है महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है, जहां पर रिसेंटली अभी आपका कॉरिडोर लॉन्च किया गया था? जबलपुर, उज्जैन, ग्वालियर, भोपाल। इसका आंसर क्या होगा? वेरी वेल डन, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उज्जैन। उज्जैन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज विच स्टेट टू होस्ट 37th नेशनल गेम्स इन अक्टूबर 2023। अक्टूबर 2023 में 36th नेशनल गेम को कौन होस्ट करेगा? गोवा, केरला, गुजरात, असम। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गोवा। क्या है करेक्ट आंसर? गोवा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेली मानस इनिशिएटिव दैट इज रिलेटेड विद अवर मेंटल हेल्थ काउंसलिंग विच वॉज लॉन्च्ड इन एसोसिएटेड विद विच फील्ड। ये तो मैंने बता दिया आंसर ही। टेली मानस पहल जो स्टार्ट किया गया है, यह किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? कम्युनिकेबल डिजीज, चाइल्ड हेल्थ, मेंटल हेल्थ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मेंटल हेल्थ, है ना? करेक्ट आंसर क्या है? मेंटल हेल्थ। मतलब मैं क्वेश्चन पूछते पूछते आपको आंसर भी बता दी। चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपनी प्रोड्यूस्ड द ड्रोनी ड्रोन दैट वॉज मेड इन इंडिया. ड्रोनी ड्रोन को कौन सी कंपनी ने प्रोड्यूस किया है जिसको रिसेंटली MS धोनी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था. इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हाँ वही मैं कह रही हूँ ना, मैं बता मतलब क्वेश्चन पूछते पूछते आंसर भी बोली थी. ओके इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गरुड़ एरोस्पेस, है ना. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गरुड़ एरोस्पेस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज लॉन्च्ड द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट सिंपोजियम 2022 इन न्यू दिल्ली. विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी एथलीट जैविक पासपोर्ट संगोष्ठी 2022 को नई दिल्ली में किसने लॉन्च किया? अनुराग ठाकुर, पीयूष गोयल, जितेंद्र सिंह, हरदीप सिंह पुरी. क्या होगा इसका आंसर? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अनुराग ठाकुर. क्या है करेक्ट आंसर? अनुराग ठाकुर इसकी करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीएम नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड द फोर्थ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन किया है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, हिमाचल प्रदेश. इसका आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, हिमाचल प्रदेश. वेरी वेल जन, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हिमाचल प्रदेश. हिमाचल प्रदेश की ऊना से नई दिल्ली तक ये रवाना होगी, है ना. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022. असमानता सूचकांक 2022 को कम करने की प्रतिबद्धता में भारत की रैंक क्या है? 121, 115, 118, 123. और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 123. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एयरपोर्ट हैज इंटायरली स्विच्ड टू ग्रीन सोर्सेज फॉर इट्स एनर्जी कंजम्पशन नीड्स मेकिंग इट वन ऑफ इंडियाज 100% सस्टेनेबल एयरपोर्ट. कौन सा हवाई अड्डा अपनी ऊर्जा खपत की जरूरतों के लिए पूरी तरह से हरित स्रोतों में बदल गया है जिससे यह भारत के 100% स्थायी हवाई अड्डों में से एक बन गया है? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई. वेरी वेल जन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड न्यू स्कीम हिम कैट टू हेल्प फार्मर्स. फार्मर्स की हेल्प करने के लिए मतलब इनको इरिगेशन प्रोवाइड करने के लिए जो इरिगेशन फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करने के लिए कौन से राज्य सरकार ने हिम कैट स्कीम को लॉन्च किया है? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हिमाचल प्रदेश. पर मैंने आप लोगों को याद कराया था हिम से हिम कैट होगा और हिम से हिमाचल प्रदेश होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच यूनियन मिनिस्टर हैज इनॉग्रेटेड द फोर्थ हेली इंडिया समिट 2022 इन श्रीनगर. किस केंद्रीय मंत्री ने श्रीनगर में चौथे हेली इंडिया समिट 2022 का उद्घाटन किया है? ज्योतिरादित्य सिंधिया, पीयूष गोयल, जितेंद्र सिंह, सुरेश प्रभु. और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज बैग्ड द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर स्टेजिंग एंड स्विंगिंग द हाईएस्ट 101 ओंजल्स जिसको झूला बोलते हैं ब्यूटीफुली डेकोरेटेड इन कोची. निम्नलिखित में से किस बैंक ने कोची में सबसे ऊंचे 101 ओंजल का मंचन और झूला झूलने का विश्व रिकॉर्ड हासिल किया है? पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, कर्नाटका बैंक, साउथ इंडियन बैंक. और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है साउथ इंडियन बैंक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज लॉन्च्ड माँ भारती की सपूत वेबसाइट फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेस बैटल कैजुअलिटीज वेलफेयर फंड. सशस्त्र बल युद्ध हताहत कल्याण कोष के लिए माँ भारती की सपूत वेबसाइट किसने लॉन्च किया है? नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, द्रौपदी मुर्मू. और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है राजनाथ सिंह. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ टू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इन चंबा हिमाचल प्रदेश रिसेंटली. निम्नलिखित में से किसने हाल ही में चंबा हिमाचल प्रदेश में दो जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नरेंद्र मोदी. नरेंद्र मोदी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज President Draupadi Murmu has inaugurated the Param Kamrup Supercomputer Facility and a High Power Active and Passive Component Laboratory of Samir at which institute? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस इंस्टीट्यूट में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा और समीर की एक उच्च शक्ति सक्रिय और निष्क्रिय घटक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? IIT गुवाहाटी, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT कानपुर. और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है IIT गुवाहाटी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द फर्स्ट इंडियन सैंक्चुरी फॉर द एंडेंजर्ड स्लेंडर लोरीज.
निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने लुप्त प्राय स्लेंडर लोरिस के लिए पहले भारतीय अभयारण्य की घोषणा की है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर। सो यहाँ पर हमारे टोटल 75 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। पूरे जो वीक के क्वेश्चंस थे, लास्ट 2 वीक के, उसको हम लोगों ने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इसको भी हम लोगों ने किया था, और आपको इसका क्वेश्चन, इसका आंसर कमेंट करके बताना है। हमारा जो होमवर्क क्वेश्चन है वो है, हु हैज लॉन्च माँ भारती के सपोर्ट वेबसाइट फॉर द आर्म फोर्सेज बैटल कैजुअलिटीज वेलफेयर फंड। ठीक है, इसका आंसर आप लोग हमें कॉमेंट करके बताइएगा, एंड जो बताएगा वो बनेगा हमारा चैंपियन ऑफ द डे, और उसका नाम हम नेक्स्ट क्लास में डिक्लेयर करेंगे। नेक्स्ट हम आपसे फिर मिलेंगे एग्जाम एनालिसिस में, पीयू के एनालिसिस में और पेट के एग्जाम एनालिसिस में। ठीक है, तो थोड़ी देर बाद, कुछ घंटों बाद हम आपसे फिर कनेक्ट होंगे एग्जाम एनालिसिस में, और फिर हम आपसे मिलेंगे कल सुबह 6:30 बजे हमारी मॉर्निंग करंट अफेयर की क्लास में। टिल देन मोबाइल गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच। Right now, and press the bell icon. Never miss an update. Right now, and press the bell icon. Never miss an update.